वजीर आजम इमरान खान कोरोना वायरस से मुताबिक जल्द कौम से खिताब करने का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम ने आवाम से अपील की है कि हुकूमत की तजवीज करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और वजीर आजम ने साथ ही साथ मजीद कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए घबराने की नहीं एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की जरूरत है। वजीर आजम इमरान खान के मावन बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि मुल्क भर में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए मुफ्त टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। इस वक्त कोरोना वायरस से जो कि सिस्टम में आए हैं इसमें टोटल तादाद 1.5 लाख के करीब है, जिसमें से 5,000 के करीब लोग चाबहक हुए हैं और 75,000 के करीब जो लोग हैं वो रिकवर हुए हैं। और अब तक मेरी तहकीक के मुताबिक 119 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इस डिजीज से मुतासर हुई हैं। अगर हम आलमी सतह पर देखें ना तो आलमी सतह पर यूएसए ने यूरोप के साथ अपनी आमदोरफ्त को बंद कर दिया है और काफ़ी सारे ममालिक ऐसे हैं जिसके साथ यूएसए ने अपनी आमदोरफ्त को बंद कर दिया है ताकि इसको एक तौर से एहतियाती तदाबीर के तौर पे वो कर रहे हैं ताकि मजीद जो लोग हैं वो इस वायरस के तहत अफेक्टेड ना हो। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 26 यूरोपीय ममालिक, मैं आपको बता दें तकरीबन 26 यूरोपीय जो ममालिक हैं उनके साथ अपना ट्रैवलिंग इस वक्त बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में तमाम तालीमी इदारे इस वक्त बंद कर दिए गए हैं और जो बच्चों की छुट्टियां हैं वो 5 अप्रैल से बढ़ा के तकरीबन 1 जून तक कर दी गई हैं और 23 मार्च की जो परेड थी जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परेड होती है हमारे नेशनल लेवल पे, उसको भी मंसूख कर दिया गया है ताकि एहतियाती तदाबीर को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके और सिस्टम को कंट्रोल किया जा सके। PSL जो देखने वाले तमाशबीन थे उन पर भी गवर्नमेंट ने पाबंदी आयद कर दी है। इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो इकदाम ले रही है वो बहुत बेहतरीन इकदाम ले रही है और गवर्नमेंट ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एक लाइजॉन तैयार किया है और वो काफ़ी एक प्रॉपर वे के अंदर कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है। दिन भर में 12 आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं और हुकूमत इस वक्त इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है।